ठीक है, 3.3 जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व है, ठीक है। तो आप भी इजीली इसको कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व है तो मैं इसको करके दिखाती हूँ। यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एंड 8। तो दोनों से हमें चेक करना है, तो हम इसके लिए दो पेन्स का यूज करेंगे। जो 4 से डिविजिबल होगा हम जस्ट उसको ब्लू से करेंगे सर्कल, एंड जो 8 से डिविजिबल होगा उसको ब्लैक से। तो पहले चेक करते हैं 72, हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 डिजिट से चेक करने। तो हमें पता है 72 जो है वो 4 से 4 के टेबल में आता है, 18 4 जा, तो दैट मीन्स कि 572 8 से 4 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 52 भी, 13 4 जा 52, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। नाउ सी 00 आ रहा है। अब 00 आपको पता है डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, तो ये इसको कर लो, लाइक 4 1 जो 4, लाइक मैं इसको करके दिखाती हूँ। 00 पे अगर आपको डाउट्स है कि डिविजिबल होते हैं कि नहीं, तो इनको मैं करके दिखाती हूँ। मैंने लिया 55 एंड 00, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 जो 4 माइनस एंड 5, 4 3 जो 12 एंड 10 नीचे, 4 7 जो 28, 10 नीचे लिखे, 4 5 से 20। दैट मीन्स कि अगर 00 आ रहा है तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। ये इसको चेक करो, 30 आ रहा है बट 60, अगर आप देखोगे ये 60 है तो 60 भी तो डिविजिबल होता है, एंड 00 हो गया तो दैट मीन्स कि ये भी 4 से डिविजिबल होगा। एंड ये नेक्स्ट देखो, 59 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स कि ये, सॉरी ये नहीं डिविजिबल होगा, मैंने गलत कर दिया, इसको सर्कल नहीं करना है इसको, ठीक है। नाउ एफ, ये 60 है तो ये डिविजिबल होगा 4 से, 84 भी डिविजिबल होगा 4 से, एंड 3 1 7 9 5 7 2, 7 2 है ना, दैट मीन्स कि 4 से डिविजिबल होगा। 00 मैंने बताया 4 से डिविजिबल होगा, एंड 50 ये नहीं डिविजिबल होगा। अब हमें 8 से चेक करना है, तो हम उस पर स्टार मार्क करेंगे जो 8 से होगा, तो ये सारे नंबर जो है जो मैंने सर्कल किए हैं इसको छोड़ के, वो 4 से डिविजिबल है। नाउ 8 को चेक करना है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करना है। अब इसमें जस्ट 3 डिजिट है तो जस्ट डिवाइड करते हैं 8 572, 5 7 2, 8 8 6 48, 92 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता, ठीक है, दैट मीन्स कि ये नहीं डिविजिबल होगा। 352 चेक करते हैं, 8 4 जा 32, 4 जा 32, दैट मीन्स कि ये डिविजिबल होगा, ठीक है, 8 से डिविजिबल होगा। एंड 00 लेट्स से चेक, 55 100, 8 6 जा 48, एंड 60 नहीं आता 8 के टेबल में, ठीक है, दैट मीन्स कि ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं डिविजिबल होगा, सॉरी मैंने क्यों टिक किया, ये डिविजिबल नहीं होगा। और ये 6000, दैट मीन्स कि ये डिविजिबल होगा, ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे। एंड सेम 159 को चेक करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, 9 इट्स नॉट डिविजिबल, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 560, अब देखो ये तो 56 है, 8 7 जो 56 होता है तो ये तो डिविजिबल होगा, एंड सिंपल 084 है तो आपको पता है 84 नहीं आता, 084 8 के टेबल में नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 72 072 8 9 जो 70, तो ये डिविजिबल होगा। एंड 00 अभी हमने चेक किया था नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। एंड सिंपल 1850 भी डिविजिबल नहीं होगा, लेट्स चेक कर लेते हैं इसको, 8 1 जो 8 एंड ये 70 हो जाएगा, तो इट्स नॉट डिविजिबल, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा।
तो आपको पता चल गया होगा कि 4 से जो जो डिविजिबल है वो मैंने ब्लू से सर्कल कर दिए जस्ट इसको छोड़ के, एंड 8 से सिर्फ एफ बी एंड डी एंड एच, ये नंबर 8 से डिविजिबल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो इसके बाद हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि हमें डिटरमाइन करना है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 6। एंड मैंने आपको बताया 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से होता है वो डिविजिबल है। तो जस्ट चेक करते हैं, बुक में ही हम चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट का यूनिट प्लेस जो है वो 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। तो ये तो 4 है, दैट मीन्स कि ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करना है, तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, 2 + 7, 9, ठीक है 3 के टेबल में आता है, 4 + 4, 8, 8 + 1, 9, दैट मीन्स कि ये 27 हो रहा है, 27 आता है, दैट मीन्स कि ये डिविजिबल होगा। ये चेक करते हैं 8, ये 2 से डिविजिबल है, तो पहले हमें 2 से एंड 3 से दोनों से चेक करना है। अगर 2 से चेक हो रहा है देन 3 का करो, अगर 2 से नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि वो 3 से भी होगा भी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें 6 का चेक करना है। 8 तो डिविजिबल है 2 से, अब चेक करते हैं 3 से होगा कि नहीं। 2 + 1, 3, 3 तो डिविजिबल है, बट 8 + 5 करोगे तो 13 आएगा, 13 + 3 करोगे तो 16 होगा, जो 3 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये नहीं डिविजिबल होगा। अब ये तो 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 3 से होके भी कोई फायदा नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। डी क्वेश्चन है, ये भी इवन प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, दैट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है ये नंबर, तो पहले हम इसको चेक करते हैं। 2 + 5, 7, 7 + 3, 10, 10 + 1, 11, 11 + 9 is 20, बट 3 के टेबल में 20 नहीं आता, तो ये भी डिविजिबल नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं, 4 + 3, 7, 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 4 + 3, 7, 7 + 8, 15, 15 + 7, 15 तो 3 × 5 = 15 होता है, ये तो डिविजिबल हो गया, 7 + 5 = 12, तो 15 और 12 = 27 होता है, दैट मीन्स कि ये भी डिविजिबल होगा। तो ए एंड एफ तो डिविजिबल है, इसको चेक करते हैं, 4 तो डिविजिबल है 2 से, तो 8 + 4 = 12 डिविजिबल है। अलग अलग ही डिवाइड कर लो इसको, एक साथ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। 8 + 4 किया आपने 12, तो 8 = 12 तो टेबल में आता है, 1 + 9 = 10, 10 + 1 = 11, 11 + 7 = 18, दैट मीन्स कि ये भी डिविजिबल होगा। अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 7 + 1 = 8, 8 और 9 = 17 हो गया, 17 + 1 = 18, 18 + 4 = 22, 22 + 8 = 30, तो 3 × 30 होता है, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। नाउ दिस, और ये भी नहीं डिविजिबल है 2 से, ये चेक करते हैं, 0 है तो डिविजिबल होगा 2 से ना, और 3 से चेक करना है, 6 + 3, 6, 3, 9 तो डिविजिबल ही होगा, 2 + 1, 3, ये भी डिविजिबल है, तो देख के ही पता चल रहा है आपको। नाउ ये लास्ट का 2 है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है एंड कौन सा नंबर नहीं है। तो जस्ट चेक करते हैं, हमें 11 में डिविजिबिलिटी रूल ये पता करना है कि जो ऑड नंबर पे, ऑड प्लेस पे जो नंबर है एंड जो इवन प्लेस पे, उनका डिफरेंस अगर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है दैट, तो या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है, 11 का टेबल, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं, 5 + 4 = 9 एंड 5 + 4 = 9, तो 9 - 9 होता है 0, दैट मीन्स कि ये नंबर डिविजिबल होगा, तो सिंपल। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर बी, 1 + 8 = 9, 9 + 4 = 13, और 13 0 + 2 = 2, 13 - 2 करोगे तो आएगा 11, दैट मीन्स 11 तो डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर सी में है, 7 + 3 = 10, 10 + 9 = 19 एंड 19 + 5 = 24, है ना, 19 + 5 = 24, 24 माइनस करना है हमें, 1 + 8 = 9, 9 + 6 = 15, अगर इसको माइनस करोगे तो 9 के समथिंग आएगा, दैट मीन्स कि ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सी, डी में क्या करना है, फिर से प्लस करो ऑड एंड इवन प्लेसेस को, 7 + 1 = 8, 8 + 9 = 17, 17 + 8 = हो जाएगा 23 माइनस 6 + 3 = 9, नो मैंने गलत किया, 7 + 1 = 8, 8 + 9 = 17 एंड 17 + 0 = 17 हो जाएगा, है ना, ये 17, 6 + 3 = 9, 9 + 8 = 17, 17 - 17 करोगे तो 0 आएगा, तो दैट मीन्स ये भी डिविजिबल है। इसको करेंगे 1 + 0 = 0 एंड 0, तो ये 1 आ गया, 1 - अगेन ये 1 आएगा तो 1, तो ये भी डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल है। लास्ट को चेक करते हैं, 9 + 1 = 10, 10 + 5 = 15, 1 + 3 = 15 - 4 करोगे तो 11 आएगा,
तो ये भी नंबर डिविजिबल है। तो हमें क्या कंक्लूजन में यही मिला कि अगर वो जीरो आ रहा है या फिर इलेवन का टेबल आ रहा है तो वो नंबर इलेवन से डिविजिबल होगा, जस्ट ऑड प्लेस को एंड इवन प्लेस को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देना। क्वेश्चन नंबर फाइव में सेम यही क्वेश्चन है, बट हमें यहाँ पे सॉरी ये क्वेश्चन हमें बताना है कि थ्री को थ्री से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो थ्री से चेक करते हैं, लाइक फोर प्लस टू सिक्स, तो सिक्स तो डिविजिबल होता है, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, पर थर्टीन में अगर हम टू प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टीन, तो थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है, तो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे प्लेस करनी है। अब ये होल नंबर जो है वो थ्री से डिविजिबल होगा, तो सिंपल फोर प्लस सेवन इलेवन, इलेवन प्लस सिक्स, इलेवन प्लस सिक्स इज सेवनटीन, सेवनटीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू प्लस वन कर दोगे अगर तो ये हो जाएगा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन तो डिविजिबल है, बट यहाँ पे हमें टू लिखना पड़ेगा क्योंकि ट्वेंटी फोर होना चाहिए ना, थ्री के टेबल में ट्वेंटी फोर आता है। एक बार और कर लो, टू टू प्लस टू फोर, फोर प्लस फाइव इज नाइन हो गया, ये डिविजिबल है, सिक्स प्लस सेवन, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, थर्टीन प्लस फोर इज सेवनटीन हो रहा है, नहीं गलत क्या, एक बार और करते हैं यहाँ पे, इसको सिक्स तो हो गया डिविजिबल होता है सिक्स, नाउ फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व होता है डिविजिबल, फोर प्लस टू सिक्स डिविजिबल होता है, नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री, थ्री लिखेंगे तो ये भी डिविजिबल हो जाएगी भी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो पहले इसको हम प्लस करते हैं, ऑड एंड इवन प्लेस को प्लस करना है, तो नाइन प्लस एक्स प्लस एट इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेवनटीन प्लस एक्स टू प्लस थ्री प्लस नाइन ये हो जाएगा फोर्टीन। हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो राइट डाउन माइनस फोर्टीन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए या फिर इलेवन होना चाहिए। तो लेट्स से सेवनटीन माइनस फोर्टीन करोगे तो थ्री प्लस एक्स इक्वल्स टू इलेवन होना चाहिए, हम इलेवन ही लिखेंगे क्योंकि जीरो तो आ नहीं सकता। तो अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू इलेवन और ये थ्री यहाँ पे आएगा तो माइनस थ्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी इलेवन माइनस थ्री एट, दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे एट लिखोगे तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होगा इससे। तो अब कर लेते हैं सेम क्वेश्चन नंबर बी में भी करने हैं हमें, नाइन प्लस एट प्लस एट क्या हो जाएगा ये ट्वेंटी फाइव, ये तो ट्वेंटी फाइव है, जब आप इसको ऊपर वाले को प्लस करोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस फोर प्लस फोर एट हो जाएगा, तो हमें ट्वेंटी फाइव माइनस करना है एट प्लस एक्स को इक्वल्स टू इलेवन आना चाहिए राइट। तो अगर आप ट्वेंटी फाइव माइनस एट करोगे प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू इलेवन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवनटीन प्लस एक्स इक्वल्स टू इलेवन, अब ये सेवनटीन ये इलेवन यहाँ पे आ जाएगा माइनस इलेवन इक्वल्स टू एक्स, तो सिक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू सिक्स आ गई। अगर यहाँ पे सिक्स रखोगे तो ये नंबर कम्प्लीटली इलेवन से डिविजिबल हो जाए। आई होप ये चैप्टर नंबर थ्री आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं चैप्टर थ्री का 3.4 सॉल्व करके दिखाऊंगी।